अरे ये रुक 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 रुक, ये आगे निकल गई, इसका कट तो पीछे था। तो अभी नंगी वाटरफॉल के लिए निकल रहे हैं। आगे का रास्ता है जो आपको एक पगडंडी दिख रही है सीख के। फाइनली 2 घंटे की ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच गए नंगली वाटरफॉल। एक्चुअली हम लोगों ने रक्कड़ विलेज से स्टार्ट किया था, तो अगर आप चाहते हो तो आप गाड़ी से पॉइंट तक आ सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपका आधा डिस्टेंस वैसे ही कवर हो जाएगा और उसके बाद आपको 45 मिनट से 1 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। तो नाउ इट्स अप टू यू, अगर ज़्यादा ट्रैक करना है, वॉक करने का मन है, तो आप सीधा रक्कड़ विलेज से स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज गाड़ी से आप 1 पॉइंट तक आ सकते हो उसके बाद आप। मजा आ गया, लैंडस्केप अमेजिंग है। वाटरफॉल में थोड़ा पानी कम था, लेकिन अदरवाइज मस्ट विजिट है नंगली वाटरफॉल। चलो आगे की तरफ होके आके देखते हैं आगे क्या है। यहाँ एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये लोग उधर रह रहे हैं जो लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। एक यहाँ ब्रिज बना हुआ है, यूजली इस पहाड़ से उस पहाड़ को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी तो पानी नहीं है तो आप नीचे से भी जा सकते हो, लेकिन जब यहाँ पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वाला पुल यूज़ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पुल हिल रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, एक तरफ टिल्ट आई है। अब होमस्टे के लिए निकल पड़े हैं यहाँ से हम लोग। तो भाई आने में 1.5-2 घंटे लगे थे, वापसी में शायद 45 मिनट में पहुंच जाएंगे।
आई लव यू बोलते कम से कम एक बार। थैंक यू, आई लव यू टू। थर्ड है और आज थथराना ट्रैक का था प्लान, पर हो नहीं पाएगा। एक्चुअली मैंने आपको कल बताया था ना, एक मिस हैपनिंग हो गई, एक्चुअली किसी की डेथ हो गई ऊपर बिजली गिरने से, तो अथॉरिटी ने भी 2-3 दिन के लिए से बंद कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज भी रक्कड़ विलेज और आसपास की जगह ही घूमेंगे, और थथराना ट्रैक फिर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ है उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ फिर कवर करेंगे, फिर उसके बारे में आपको मैं डिटेल भी दूंगा। जब तक आप रक्कड़ और नड्डी विलेज का जो है उसे एंजॉय करिए। थैंक यू। ये रक्कड़ विलेज है गाइस, ये जो आप ये ब्लैक वाला जो माउंटेन देख रहे हो ये थथराना ट्रैक का टॉप है जहाँ हम लोगों का प्लान था, और इसके साथ में ये वाइट वाला है और उसके साथ में एक और दिख रहा होगा आप, ये जो राइट साइड में ब्लैक वाला जो अब आया है ये एक्चुअली राइजिंग स्टार है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू थथराना, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं और डिफ़िकल्ट लेवल भी इसका थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में आता है, तो इसको भी कवर करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड और अगर आप आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है ऐसी जगह के बारे में जहां आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में एक्सप्लोर करूं और इन्फॉर्मेशन लेके आऊं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गो देयर एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस एंड उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मैं ला के दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।